सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देती हैं। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वह मजाक ही बनाएगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। हम असफलता से सीखते हैं, सफलता से नहीं। आज का पंचांग 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 9:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सद्भिषा नामक नक्षत्र सुबह 9 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:22 से 4:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:10 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 1:11 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को रामकृष्ण जयंती, फुलेरा दूज, चंद्र दर्शन की शुभकामनाएं। कुंभ राशि 21 फरवरी 2023 दिन मंगलवार, आपको आगे बढ़ने से बहुत से अवसर मिलेंगे लेकिन उन सबको हासिल करने की जल्दी में ना रहें। अपने सभी विकल्पों को ध्यान से सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अपने दोस्तों के साथ भी बांटें, यह ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयास करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर ना छोड़ें, आपकी कार्य ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगी। आपका पारिवारिक समय अभी समृद्ध है, आप उदार महसूस कर रहे हैं और दूसरों के साथ भोजन और अन्य सामान शेयर करने के लिए तैयार हैं। अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने या कोई शो देखकर अपने कला के प्रति प्यार को संतुष्ट करें। आप पूरी दुनिया के साथ मिलकर चल रहे हैं। आज आप आशावाद और सकारात्मकता से भरे हुए हैं। उम्मीद और आत्मविश्वास के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता और इस समय आपके पास दोनों ही हैं। बस एक नई शुरुआत करें, विचार करने के लिए खूब समय लें लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में लग जाएं। पूरा दिन व्यस्तता रहेगी परंतु इसके परिणाम भी उत्तम हासिल होंगे। किसी मित्र के साथ खुशनुमा मुलाकात भी होगी। आप अपने व्यक्तिगत तथा आर्थिक गतिविधियों को बेहतरीन तरीके से व्यतीत करेंगे। जिन बातों में नकारात्मक महसूस हो रहा है उनमें बदलाव आएगा। नए अवसर की खोज करनी होगी। कुछ कामों में पछतावा महसूस होगा लेकिन अपने स्वभाव का इस्तेमाल करते हुए वर्तमान को बदलना संभव है। नए अवसरों को स्वीकार करने से पहले पछताना, नए अवसर को स्वीकार करने से पहले पिछला काम पूरा करने की कोशिश करें। बार बार हो रहे विवाद की वजह से रिलेशनशिप दिक्कतें ज्यादा बढ़ सकती है। सिर में भारीपन महसूस होगा। माइग्रेन की तकलीफ के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज अपनी दिनचर्या में कुछ नवीनता लाने का प्रयास करें जिसमें परिवार के सदस्य भी शामिल होंगे। विद्यार्थियों को युवाओं की परीक्षा का परिणाम अपने पक्ष में मिल सकता है। घर के किसी सदस्य की शादी की तैयारी में भी समय बीतेगा। आज किसी से भी विवाद में ना पड़े, अपने गुस्से पर काबू रखें। आप आज कुछ खास काम पूरे कर पाएंगे। आपके मान सम्मान और यश का ग्राफ ऊपर आएगा। संपत्ति विवाद को किसी के दखल से सुलझाने की कोशिश करें। बिना मतलब के किसी से बहस ना करें और अपनी वाणी या क्रोध पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश करें, नहीं तो किसी से अनबन हो सकती है। आपके करीबी लोग ही आपके काम में दखल दे सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। रिश्ते मजबूत बनाने के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे। आप प्यार और स्नेह के बल पर सफल भी होंगे। अहंकार त्याग कर किसी से मिलेंगे जिसे आपको विशेष सम्मान प्राप्त होगा। यात्रा से बचें, नहीं तो निकट स्थिति हो जाएगी। लोगों के साथ व्यवहार करते समय भावनाओं को हावी ना होने दें। पति पत्नी के बीच आनंदमय समय रहेगा। बात करती है सेहत की। किसी को भी बिना मांगे सलाह ना दें और न ही उनके मामलों में हस्तक्षेप करें। इससे आपका भी नुकसान हो सकता है।
धैर्य और संयम बनाकर रखने से परिस्थितियां जल्दी सामान्य हो जाएगी। वरिष्ठ व्यक्ति को अपनी सेहत के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध बेहतर रहेंगे तथा घर का माहौल उचित व अनुशासित रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी रखें। अगर आप बहुत अच्छा संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने अहंकार को छोड़कर दें। आपकी तंग सोच और अहंकार से आपके पारिवारिक जीवन में कई समस्या आ सकती है। अगर आप छोटे विवादों को बड़ी समस्याओं में तब्दील नहीं होने देना चाहते तो अभी संभल जाएं। जो मामला अभी चल रहा है उसे अपने से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। इस समय परिवार आपकी प्राथमिकता है, किंतु ऐसे में खुद को और अपने साथी को समय देना ना भूलें। अपने साथी के साथ बैठकर भविष्य की योजना बनाने से रोमांटिक और कुछ नहीं हो सकता। अपने साथी को खुश रखकर ही आप प्रसन्न रहेंगे। आज भाई बहन की परेशानियों को भी सुलझाएंगे। आज आपको स्वयं में कुछ ऐसे सुधार लाने की सलाह दी जाती है जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। नए रिश्ते को शुरू करने और पुराने रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छा समय है। साथी को चॉकलेट और अपने प्यार की गर्मजोशी को उपहार दें और अपने प्रेम भरे जीवन का आनंद लें। बात करते हैं करियर की। वित्त या बैंकिंग पेशे से जुड़े हुए लोगों के लिए आज के दिन जुनून, ऊर्जा और नया जोश लेकर आया है। जहां सफलता आपका पीछा कर रही है, अपने अच्छे विचारों और आचरण से आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। भाई बहन की परेशानियों को चुटकी में हल करने में आप सक्षम हैं। आज भगवान स्वयं आपके आत्मविश्वास और कौशल को बढ़ाने के लिए आपको प्रसिद्धि और जीत दोनों का आशीर्वाद देंगे। कड़ी मेहनत इस दिन का मंत्र है, लेकिन आपको अपने सहकर्मियों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के क्षेत्र के लोगों को आज उन्नति के नए मार्ग मिलेंगे। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यवसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। व्यवसायिक क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही दूसरों पर काम छोड़ने की अपेक्षा अपनी देख रेख में ही करें तो उचित रहेगा, क्योंकि कारखाने, मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। बात करते हैं सेहत की। तनावपूर्ण स्थिति को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। अब समय आ गया है कि आपको अपने शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होगा। आपको यह भी समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है और आप में बेशक किसी भी शारीरिक समस्या से पार पाने की मानसिक शक्ति मौजूद है। अपने मानसिक शक्ति में विश्वास रखें, आपको चकित कर देने वाले नतीजे भी मिलेंगे। आज का उपाय। आज हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।